वंदे मातरम। मैं थाना में ही रहता हूँ, अभी दो मिनट ही होगा आपका, ज़्यादा नहीं। हेलो, मेरे को ना मनके का प्रॉब्लम था, और तीन मनके में प्रॉब्लम, L3, L4, L5। डॉक्टर थाना के बहुत बड़े डॉक्टर, अपने मुलुंड के बहुत बड़े डॉक्टर, ओकेलाबेन धीरूभाई अंबानी, जो बड़े बड़े मतलब भारत में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ पे सपने में जाके हैं, तो उन्होंने सपने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका खर्चा मेरे को 17 लाख रुपये पता है। तो 17 लाख ठीक है, कहीं से भी अपन जुगाड़ करके कर सकते हैं, और किसी की भी है जो खर्चा कर ले, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। तो डॉक्टर है ना, ये दुकान लेके बैठे हैं, अभी मैं कैसा का धंधा करता हूँ, तो मैं उसके पीछे कमाऊँगा तो ही बेचूँगा, ये दुकान लेके बैठे हैं, तो उनको मरीज कैसे बीमार होता है, तभी तभी वो लोग, अभी अपन बीमार होंगे तो उनके पास जाएंगे, अभी मदन भाई बोलते हैं कि आप हमारे पास में आओ, हम फ्री में ठीक करेंगे, लेकिन आजकल क्या है, आज के डॉक्टर का कितना फीस है, तो 2000, ये कुछ काम का नहीं, 5000, हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो जितना बड़ा डॉक्टर रहेगा, जितना बड़ा फीस रहेगा, उतना ही ज़्यादा अपन को काटेगा। अच्छा, ये सब छोड़ देता हूँ मैं, अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ कि मेरे को L3, L4, L5 ये तीन घंटे में प्रॉब्लम था, तो छोटी मोटी हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, कोकेला में धीरूभाई अंबानी की बात करता हूँ, वो अंधेरी में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गया, मेरे बच्चे ने मेरे को बोला पप्पा आप तो अनाड़ी हैं, कुछ करते नहीं हैं, और आप ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, बोलो चलते चलते मैं गिर जाता था, मेरे को इतना प्रॉब्लम था ना कि मैं न्यूज़ पेपर सामने रहता था, कहीं पे चला चलता ना, अभी दोनों पाँव में मूंगी आता था, गिर जाता था, तो मैं पेपर उधर बिछा के उधर ही सो जाता था, कोई बोलता क्या पागल है उधर सो गया। तो डॉक्टर है ना, कभी किसी की बीमारी ठीक नहीं करता, उसको जब तक मिलता है तब तक वो चलेगा, नहीं तो अब मैं उसको बोला अभी काट लूँ। तो मैंने गाँव गया, इधर पैसा भरा को गया, मैंने और फिर बाद में बोलता है आपको दिवाली के बाद में ऑपरेशन करने है, नहीं दिवाली के पहले ऑपरेशन करने है, मैं बोला दिवाली के पहले त्यौहार में ऑपरेशन करके कैसे चलेगा, मैं गाँव चला गया, मैं दिवाली के बाद में आने के बाद में ऑपरेशन करूँ, फिर गाँव में गया तो मेरे को राजीव भाई के लेक्चर मिले, एक सीढ़ी मिली, तो मैंने सुना वो सीढ़ी, तो राजीव भाई जो स्पीच देते हैं ना, उस स्पीच के अंदर इतना दम था ना, वो स्पीच के अंदर इतना दम है ना कि फिर बाद में मैंने चुना, ऐसा मैं बोला चुना ये वो खाना खाने के बाद में बोले ध्वजासन में बैठना, ये सब 4-5 पॉइंट है यार, मतलब किया और मैं करने लगा कि बीमार हूँ चल नहीं सकता हूँ, डॉक्टर ने मेरे को खटिया में डाल दिया कि करूँ क्या मैं, फिर बाद में राजीव भाई को लेक्चर सुनना चालू किया तो उसे भी फर्क नहीं हुआ, फिर बाद में मैं तो डॉक्टर के पास में जाए, फिर बाद में डॉक्टर के पास में जाएगा तो वो काटने की बात करता है, वो काटने के बाद में पैसा लेने के बाद में फिर ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर बाद में वापस राजीव भाई का, अभी आप लोगों ने इतना लेक्चर सुना लेकिन घर पे जाके कोई कुछ नहीं करेगा, वापस मदन भाई को, राजीव भाई को, बाबू जी को, सबको हो जाएगी, क्योंकि अपने में पीती नहीं है ना, तो अपन को नहीं, तो मैं वो सब भूल गया, या तो मदन भाई भी मतलब ये राजीव भाई का कुछ नहीं, वापस उठता था वाप, ये मेरे मोबाइल में राजीव भाई ने जितना बताया ना वो सब, देश को कैसे ठीक करना वो भी मेरे पास में है, और ये जो 7 दिन का चेन्नई में जो कोर्स हुआ, और मदन भाई इतना राजीव भाई का जो जितना है वो सब मेरे पास है मोबाइल में, और जितना इन्होंने बोला वो सब मेरे पास में, जितने भी लेक्चर सब कंटस्ट है, लेकिन डेढ़ घंटे का जो लेक्चर है 7 दिन का वो सब मेरे पास में, अभी अभी आपको कुछ चाहिए ना तो 1.5 घंटे का 1 दिन का पूरा का पूरा भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है, तो वो लेक्चर सुन के मैं ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद में क्या, तो चूना जो मदन भाई ने बोला कि चूना खाओ, तो मैं चूने का बोतल भर के रखता हूँ, बोतल में कांच का बोतल रहता हूँ उसमें चूना भर के रखता हूँ, और पूरा बोतल चूना पी जाता हूँ 1 दिन में, मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको 3 मनका डालना पड़ेगा, 2 उसमें स्प्रिंग डालना पड़ेगा, और उसके स्क्रूड्राइवर से फिट करना पड़ेगा, मैं सोचा कि अगर ये स्क्रू डालना पड़ेगा, स्प्रिंग डालना पड़ेगा,
मैं बोला उधर तक समझो कि कभी कोई स्प्रिंग लूज हो गया, कोई स्क्रू ढीला हो गया, तो मैं बोला कौन सा पाना मारू उसमें, उसमें कौन सा पाना मारूंगी, अभी अपन को खर्चा पैसा 17 लाख खर्चा करके वापस आ गए, कोई स्प्रिंग ढीला हो गया, कुछ बोल्ट अंदर लूज हो गया, तो क्या करें अपन। तो बोला अपन को ये नहीं, फिर बाद में मैंने ये सब मदन भाई ने जो बोला, राजीव भाई ने जो लेक्चर सुना उसको फॉलो किया, आज मेरे 3 मनके में गैप था, वो किधर गए, 3 मनके खराब हो गए तो किधर गए, आज मैं घूमता फिरता हूँ, डॉक्टर बोलता है आपको स्कूटर चलाने का नहीं, 1 किलो वजन उठाने का नहीं। मैं कोकिला में धीरूभाई अंबानी में गया, मेरा 1.5 लाख रुपया जमा था, उन्होंने मेरा सब पैसा तो वापस बोला, हमारे पास में पैसा वापस करने का सिस्टम नहीं है, लेने का सिस्टम है, वापस देने का सिस्टम नहीं है। मतलब बात तो सही है, बोलता आपका कोई रिलेटिव या कोई ब्लड ग्रुप में रहेगा ना, उसको लेके आओ तो उसको पैसा, तो आपका पैसा उसमें लेके कन्वर्ट हो जाए। मैं बोला मैं पानी पी के चूना खा के ठीक हो गया, तो मैं मेरा रिलेटिव को कहकर लेके आऊ, चूना पी के 1 रुपये का कोई रोटी आता है 1 रुपये का वो छोटी, और पानी पी के और खान पान में थोड़ा बदलाव करके खाने खाने के बाद में आप तुरंत 15 सिंह में बैठ जाओ, आपका खाना 15 मिनट पहले हो जाएगा, मेरा ठीक हो गया। मैं बोला मैं हमारे रिलेटिव को क्या, मेरा दुश्मन को भी नहीं लाऊ डॉक्टर के पास में, तुम रिलेटिव के पास क्या करते हो, बोला मेरा पैसा वापस दो, तुम तो बोला नहीं पैसा तो वापस नहीं मिलेगा मेरे पास में, सर हमको रिपोर्ट है मेरे पास, मैं सर फाइल बना करके आया, मदन भाई जैसे दो भाई को लेके गया, मैं जैसे लकड़ी लिया ऐसे करके करके मैं हॉस्पिटल तक पहुँचा, 12 माले पे वो डॉक्टर बैठे हैं, बोला साहब मेरे को अभी का अभी एडमिट करो, क्यों, बोला सर बोला तुम 2 साल के बाद में आएगा थोड़े चलेगा, बोला सब रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, मैं निकालो, मैं तो ठीक था, मैं नाटक करके गया था, मेरे को सब रिपोर्ट निकालो, बस सब निकालो रिपोर्ट, जो भी खर्चा होगा मैं करने को तैयार है, ठीक है। वो तो पहले तो मैडम मानी नहीं, तो बोला आपको पूरा नया केस निकालना पड़ेगा, बोला मैडम जो भी रहेगा मैं करने के लिए तैयार, मैं भी तैयार ही ना आया, मेरे को ऑपरेशन करने का जो खर्चा लगेगा मैं भी निकले तैयार। मैडम ने फोन से बात किया, उसको ऑपरेशन कराने का पहले तो बोलते 6 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, तो फिर बाद में 5 मिनट में मेरे को अंदर बुलाया, ऐसे ऐसे गैट करके गया अंदर, बहुत बड़ा, तो उसको इतना बड़ा तो कह भी ना डॉक्टर का, धीरू भाई अंबानी का हॉस्पिटल को लेगा तो क्या है, हाँ डॉक्टर साहब ऐसे बड़े 3 डॉक्टर आए साथ में, अभी ऑपरेशन करने गया ना, अभी 17 लाख रुपया खर्चा है, हाँ अभी तो 22-25-30 लाख रुपया मेरे से निकालेंगे ना, 3 डॉक्टर लाइन में बैठ गए, मेरे को जो बेटा है इसमें इधर मेरा दोस्त बेटा, इधर मेरा दोस्त बेटा, अभी आपके सर पूरे रिपोर्ट निकालना पड़ेंगे, तो निकालो सर, तो अभी आपको ना ये सर बोला आपका ये फाइल भाई सब उसका तो पूरा फाइल लेके गया था मैं, उसका था अपना मुखी साहब है ना सर पहचान जाओगे, मुखी साहब मेरा ऑपरेशन करने को, अभी मुखी साहब को टाइम भी नहीं, 1 मिनट का टाइम नहीं है मुखी साहब को, मेरे को देखते ना तू कहीं को आया, अभी मेरी और क्या बोलती, तुम डॉक्टर के पास में जाते नहीं हो, हाँ तुम मर जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं बोला तू चल डॉक्टर के पास, अभी मुकेश साहब को 1 मिनट का टाइम नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर में खाना खाता है, उसको बोला चल मेरे साथ, 6 बजे का मुकेश साहब ने मेरे को टाइम दिया, हम लोग 6 बजे हॉस्पिटल राज हॉस्पिटल में पहुँच गए, तो राज हॉस्पिटल में नहीं तभी तो सामने थे, राज हॉस्पिटल सामने थे, अभी मेरा कंका का ऑपरेशन हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया था, तो आज से 15 साल से दसराज हॉस्पिटल में ना दोनों साथ में डॉक्टर बैठते, तभी से मुकेश साहब को भेजा, तो ऑपरेशन नहीं करेगा खतु क्यों आया, बोले मैं तो नहीं आता था लेकिन मेरी और लेके, हाँ तो हम लोग को 6 बजे का टाइम दिया, रात को 3 बजे हमारा नंबर आया, इतने बिजी है अपन भी क्या कर सकते हैं, बोलो भी क्या करने का पंचाल, पंचाल क्या करने का, बोला साहब मैं तो आपको पहचानता हूँ उसको समझाओ थोड़ा, तो बोलता ये ऑपरेशन कराएगा नहीं तुम क्या कर सकते इसके पीछे पड़िए, तो बोला साहब ये ऐसा टेढ़ा बेटा होगा, बोलता वो ऐसा ही रहेगा दिल्ली में, मैं बोला साहब ऑपरेशन कराऊँ मैं आप लाख 10 लाख मुकेश साहब ने बोला था 10 लाख के लिए 12 लाख दूंगा मेरे को लिख के दो,
मैं बोला आपने लाखों ऑपरेशन किए सब सक्सेस है, हाँ? मैं बोला 75 ऑपरेशन फेल है आपके ये एरिया में, आगे की बात नहीं करता मैं, हाँ? उसका मेरे को पता वो 75 ऑपरेशन क्यों फेल हो गए, बोलता यार बोला आप सही का तो सब रिकॉर्ड रखता है, खराब का जो रिकॉर्ड रखेगा उसको मालूम पड़ेगा, वो 75 खराब है उसमें 76वां मेरा नंबर लगा तो मैं क्या, हाँ? डॉक्टर बोलता है तू जा तेरा काम नहीं, कोकिला में 0 एमआरआई में गया मतलब साहब तो बोला आपको इतना इतना खर्चा लगेगा 15 लाख दे सकता है 20 लाख में 30 लाख में 40 लाख कुछ बोल दे सकता है और 50% आपको एडवांस जमा कराना पड़ेगा मतलब 15 लाख रुपये तो कराने का ही ऑपरेशन के लिए, तो बोला ठीक है अभी साहब आपकी सब बात सुनी है ठीक है अभी मेरी बात सुनो, बोला सब सब खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद में बोला साहब आपने इसमें लिखा है आपका रिपोर्ट में कि 1 किलो भी वजन उठाने का नहीं, बोला सर ये रिवॉल्विंग चेयर है कम से कम 10 किलो की तो होगी, बोला हाँ बोला ये रिवॉल्विंग चेयर है 10 किलो की तो होगी, बोला हाँ मैं बोला ये चेयर वही चेयर मैं दोनों हाथ से उठाता हूँ, अभी 12वां माले पे हैं आपके 4-5 आदमी मेरे पीछे लगाओ मैं नीचे उतरता हूँ और 12वां माले पे वापस कुर्सी लेके ऊपर आता हूँ, हाँ मैं ठीक कैसे हुआ कि चूने में क्या इतनी ताकत है, मैं चूना और पानी और खान पान में थोड़ा बदलाव किया कि खाना खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं, खाली उतना ही चूना है बाकी तो ज़्यादा चूना नहीं है, मैं ये इतना करके मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरे को ये आपके पास बहुत बड़े मशीन है ये आप हमारे में डालते हो, हाँ तो 1-2 घंटा मेरे को 4-5 दिन डालते हो मशीन में मैं कैसे